हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो इस गाड़ी की माइलेज है 27, यानी इतनी ज़बरदस्त माइलेज है। तो ये दोस्तों लिटरली मिनी क्रेटा है, इसमें वो सब कुछ आपको मिल जाता है जो कि क्रेटा में दिया गया है। अच्छा स्पेस, अच्छा कंफर्ट, एसी की वर्किंग भी अच्छी है, माइलेज आपको तगड़ी मिल जाती है। तो ये ऑलराउंडर एक बढ़िया एसयूवी है जिसका प्राइस स्टार्ट होता है सिर्फ 5.99 लाख रुपीज़ से। तो काफ़ी कुछ है इस गाड़ी के बारे में बताने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसका जो डायरेक्ट राइवल है दैट इज़ टाटा पंच, दोनों की जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी तगड़ी हो रही है इस टाइम। और साथ में यहाँ पे आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, जिसको आप 7 साल या 1 लाख किलोमीटर तक एक्सटेंड करवा सकते हो। फटाफट से मैं आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। तो फ्रंट व्हील ड्राइव, यहाँ पे आपको ड्राइव टेरेन मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पे 1.2 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अवेलेबल है। मैनुअल गियरबॉक्स और AMT गियरबॉक्स मिलता है, विच इज़ ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। और दिस इज़ द इंजन, एंड यहाँ पे आपको CNG का ऑप्शन भी मिलेगा और नॉर्मल ऑप्शन भी मिल जाता है। CNG के साथ सिर्फ मैनुअल अवेलेबल है, और CNG कुछ आपको कुछ पर्टिकुलर वेरिएंट्स में मिलता है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स अवेलेबल हैं। बाकी सेफ्टी फीचर जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। मल्टीपल कलर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, व्हाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर, सो मल्टीपल चॉइस ऑफ कलर ऑप्शंस आर देयर। एंड देन यहाँ पे एच शेप डे टाइम रनिंग लाइट्स अवेलेबल हैं। सो दीज आर द हेडलैम्प, हेलोजन हेडलैम्प है, नॉट LED। सो हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे एक्स्ट्रा की बैजिंग आपको मिल जाएगी, पियानो ब्लैक फिनिश में, फ्रंट ग्रिल, स्किड प्लेट। दिस इज द साइड प्रोफाइल, 185 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस है, 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। बाकी डिटेल आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पे ORVMP टर्न इंडिकेटर्स हैं। वी हैव गॉट 15 inches अलॉय व्हील्स ओवर हियर। अलॉय व्हील्स लग रहे हैं, अलॉय व्हील्स है नहीं, ये नॉर्मल स्टील व्हील है, ये व्हील कवर है, तो लग रहा है अलॉय लेकिन है नहीं। तो 175/65 सेक्शन टायर, R15 15 inch का टायर आपको मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं। बिग साइज़ की विंडोज अवेलेबल हैं, ऊपर सनरूफ, शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना, रूफ रेल्स, पियानो ब्लैक फिनिश में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये टेक्सचर दिया गया है, जो कि आपको इंटीरियर्स में भी कहीं पे देखने को मिलेगा। ये CNG है, तो यहाँ पे CNG की बैजिंग, ऑल्सो टाटा पंच की तरह यहाँ पे भी आपको डुअल CNG ऑप्शन मिलता है। और साथ में अगर आपको सर्विस कॉस्ट चेक करनी है तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है सर्विस कॉस्ट, वो भी 10 ईयर्स तक की, वो आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना टीम कार डिलाइट को, अदरवाइज आप बहुत बड़े बड़े अपडेट्स जो है वो मिस आउट कर लोगे। और साथ में बात करते हैं, दिस इज़ द रियर लुक दोस्तों। एंड ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो ऑन रोड प्राइस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो कुछ ये गाड़ी ऑफर कर रही है ऑन रोड प्राइस, बहुत सारे मॉडल के यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। और यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी, रियर में सेंसर्स मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक फिनिश, देन एच शेप LED टेल लैम्प फ्रॉम द बेस मॉडल आपको मिलेगा। ये रियर में वाइपर नहीं है, डिफॉगर है सिर्फ। यहाँ पे हेलोजन लाइट, रियर में कैमरा, एंड देन दिस इज़ द बूट स्पेस। तो डबल CNG है, यू कैन सी डबल CNG, तो उसके बाद आपको बूट स्पेस मिल जाता है। लगेज वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, ऊपर तक रख सकते हो, यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। और बेंच फोल्डिंग सीट्स है, 60-40 ऑप्शन नहीं, 60-40 ऑप्शन होना चाहिए था, बट एज सच आई गेस इस सेगमेंट में इतनी नीड नहीं रहती मे बी, बट 60-40 होता तो ज़्यादा बेटर रहता विथ CNG। और अब चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं अंदर क्या कुछ खास अवेलेबल है इस मॉडल में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चेकआउट दिस परफ्यूम, ये है इंडिया की बेस्ट सेलिंग इन्वॉल्व वन मस्ट परफ्यूम, लीक प्रूफ परफ्यूम है, ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, मेड इन इंडिया है, एंड ऑल वेदर परफ्यूम। इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनली फ्रेगनेंस है, आप गाड़ी में खराब मूड से आओगे एकदम से आपका जो मूड है वो रिफ्रेश हो जाएगा। सो अभी कभी जाए involvyoursenses.com पे, यूज़ अवर कूपन कोड टीम कार डिलाइट, वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिलेगा सारी प्रोडक्ट्स पर। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे गाड़ी की कीज़ मिलेगी, एक स्टैंडर्ड की है, एक यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड टेल गेट स्विच के साथ फोल्ड की मिलती है, जो कि काफ़ी सही लगती है। ऑटो फोल्डिंग ORVMs और नीचे पडल लैंप इसके नहीं है। सो कार कौन कर लेते हैं, दिस इज़ द वेलकम फंक्शन, और अभी एग्जिट फंक्शन भी है, साउंड सुनना होंडे की जो टिपिकल सिग्नेचर साउंड है।
सो ये है डैशबोर्ड की लुक. दिस इज़ द फ्रंट डोर, स्पीकर, बॉटल होल्डर, ऑल फोर पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है. एंड ऑटो अप नहीं है, ऑटो डाउन है सिर्फ. ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल. एंड देन यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट. ये है फ्रंट सीट्स, एक्स्ट्रा की बैजिंग, वाइट कलर पाइपिंग एंड वाइट कलर स्टिचिंग, फैब्रिक प्लस लेदर सीट्स हैं. सेंटर में फैब्रिक, साइड में लेदर. फ्यूल लिड ओपनर, क्लच फुटरेस्ट है. देन ट्रैक्शन कंट्रोल, पेट्रोल टू CNG, CNG टू पेट्रोल कन्वर्ट स्विच और हेडलैम्प लेवलर. अंदर चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं. तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको कुछ और स्पेस मिलेगा. यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस हो गया. दिस इज़ द गियर नॉब, रिवर्स गियर लगाएंगे. रियर में सेंसर्स का डिस्प्ले, यहाँ पे कैमरा का डिस्प्ले. गाइडलाइंस आर नॉट अडैप्टिव फिक्स गाइडलाइंस है, कैमरा काफ़ी क्लियर है. यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस, बाद में वायरलेस चार्जर लगवा सकते हैं. यहाँ पे एक सी टाइप पोर्ट है, एक ए टाइप USB पोर्ट है, दोनों एल्यूमिनेटेड है. एक ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, कार इन्वर्टर लगा के लैपटॉप चार्ज करने के लिए. ऑटोमेटिक AC की वर्किंग बहुत अच्छी है. साथ में 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, रेडियो, ब्लूटूथ भी मिलेगा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर जो कि अब काफ़ी साल पुराना फीचर हो गया, और क्वाइट मोड भी अवेलेबल है. तो बढ़िया आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे दोस्तों मिल जाता है. यहाँ पे नेविगेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू. और यहाँ पे कुछ स्पेस है, ग्लव बॉक्स विदाउट कूलिंग फंक्शन. एंड यहाँ पे आप देखोगे तो वैनिटी मिरर, डे एंड नाइट IRVM. यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट्स मिलेंगी. सनग्लास होल्डर यहाँ पे नहीं दिया गया, आप चाहे तो सनग्लास होल्डर वाला जो कंसोल है वो बाद में लगवा सकते हो. और यहाँ पे टॉल सेट होल्डर, साथ ही में दिस इज द बटन टू ओपन द सनरूफ. सो यस, वी हैव गॉट बिग साइज सनरूफ, तो मैक्सिमम ये इतनी ओपन हो जाती है. यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे नहीं है. एंड दिस इज द स्टेयरिंग व्हील. तो लेफ्ट साइड ऑडियो कंट्रोल्स हो गए हमारे, वॉइस कमांड कंट्रोल, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, फेवरेट टैब, MID कंट्रोल्स. क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, होना चाहिए था क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में, बट नहीं दिया गया. और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हो गए, और यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स हो गए. एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. उससे पहले गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है बिकॉज इट्स अ CNG, तो मैंडेटरी है कुछ चीज़ें. तो यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर दिया गया, कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर, जो कि टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन शो करेगा. आपको यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन शो करता है, माइलेज वगैरह, जैसे एवरेज स्पीड, ट्रिप इन्फॉर्मेशन. तो माइलेज ये नहीं शो करेगा, बाकी सारी चीज़ें शो करता है. तो आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, टोटल किलोमीटर्स आपको मिल जाते हैं. यहाँ पे कुछ सेटिंग मिल जाती है, वार्निंग मेथड, वार्निंग वॉल्यूम वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो. क्लस्टर के थीम्स वगैरह सेट कर सकते हो, A, B या C, जो भी आपको थीम सही लगे. यहाँ पे हेडलैम्प और इसका डिस्प्ले आपको मिलता है, जैसे वाइपर आप यूज़ कर रहे हो या हेडलैम्प यूज़ कर रहे हो. तो आप चाहें तो ये डिस्प्ले ऑफ कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो. लाइट्स की सेटिंग, बेसिकली इल्यूमिनेशन एडजस्ट करने के लिए, तो सारी बेसिक सेटिंग अवेलेबल है. और यहाँ पे यूनिट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, टायर प्रेशर का और टेम्परेचर का. अब चलते हैं रियर सीट्स में. कोई भी डोर ओपन होगा तो प्रॉपर आपको शो होगा. बूट या फिर बोनेट ओपन होता है तो उसका भी आपको प्रॉपर शो होता है यहाँ पे. और ये है रियर डोर, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स, पावर विंडोज, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर में AC वेंट और 12 वोल्ट का सॉकेट. यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे नहीं है, और इसको बंद कर देते हैं. यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेंटर में हेलोजन लाइट, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हैंगर. एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड. सो एक्स्ट्रा की जो बाकी सारे वेरियंट्स है वो चैनल पे पोस्टेड है. आपको कोई और डाउट्स है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में दोस्तों. एंड फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वेबसाइट को विजिट कर लो टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन.